Dear students, Assalamualaikum. alaikum. Today we are going to create a detailed report regarding inventory valuation in QuickBooks. We have been using different reports within QuickBooks, and these management reports are the basis on which all systems work because these are the results that the management are looking for. Hame data entry achi correct बहुत अच्छी बात है लेकिन मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिपोर्ट से होता है अलर्ट से होता है और टाइमली इंफॉर्मेशन से होता है जो उसको सिस्टम दे सकती हैं इसी की एक कड़ी ये वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो कि हमें डिटेल में बताती है कि हमारे पास क्या क्या, -क्या चीज़ें मौजूद हैं और कहाँ कहाँ रखी हुई हैं और सबसे बड़ी बात क्योंकि ये डिटेल रिपोर्ट है इसलिए ये कस्टमाइजेबल भी है पिछली रिपोर्ट जो हमने देखी थी वो एक समराइज़्ड इन्वेंट्री रिपोर्ट थी और उसमें हमारे पास फिल्टर ज़रूर मौजूद थे लेकिन आप कस्टमाइज़ फील्ड्स उसमें ना ऐड कर सकते थे ना सबट्रैक्ट कर सकते थे लेकिन ये वाली फील्ड जो कि काफ़ी डिटेल्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है वंस अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा क्विक बुक्स है हमारे डेटा सारा का सारा उठा के हमारे सामने रख देता है हमें पेश करता है और हमसे कहता है कि आप इसको तराश खराश के उस शक्ल में ले आएँ जो कि आपके बिज़नेस को बेनिफिशियल हो यानी आपको जो चीज़ चाहिए सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं कंप्लीट जो हमारी लिस्ट है हर चीज़ हमारे पास फील्ड्स इंफॉर्मेशन डेटा रिकॉर्ड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल आप इसको उस शक्ल में इसे ले आएँ कस्टमाइज़ कर लें जो आपके मैनेजमेंट के लिए आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करने वाली चीज़ हो जो कि फिजबल हो जो कि नज़र आए जो आप इस्तेमाल करना चाहें लेकिन डेटा सारा मेरे पास मौजूद है और एक जनरल शक्ल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो हमें ये सिस्टम दिखा देता है आइए चल के देखते हैं क्विक बुक्स में कि हमें ये डिटेल रिपोर्ट किस शक्ल में मिलती है और इसे हम किस तरह से अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे कि आपको याद है कि हमारे पास पिछले लेसन में हमने एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई थी जो आपकी स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही है लेकिन आज हम जो रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो है जी इसकी डिटेल्ड वर्जन दिस इज़ द समराइज वर्जन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द डिटेल्ड वर्जन टूडे तो आपको पता है कि जब भी हमें रिपोर्ट कोई चाहिए हो तो हमें सबसे पहले जाना पड़ता है रिपोर्ट्स में और ये हमारी इन्वेंट्री की एक रिपोर्ट है तो उसमें जब आप इन्वेंट्री में जाएंगे तो हमने चूज़ करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल्स जैसे हमने ये चीज़ सेलेक्ट की हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तमाम चीज़ों की आना शुरू हो गई है डिटेल से मतलब ये है कि वो हमने किन किन इन्वाइसों पे ये चीज़ें सेल की हैं किन किन बिल्स के अगेंस्ट ये चीज़ें रिसीव की हैं उसका तमाम का ट्रैक कि हमारे पास इन हैंड क्या था एट द बिगनिंग ऑफ द फिजिकल ईयर उसके बाद हमने किस तरह से इसमें मजीद इजाफ़ा किया है और हमने इसकी सेल्स किस तरह की की है और किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर की हैं वो तमाम की तमाम आपके सामने आ जाती हैं मिसाल के तौर पे हम पहली ही एग्जांपल ले दें कैबिनेट पुल्स इसमें हमारे पास एक जो हमारी डॉक्यूमेंट बनी थी उससे हमारे पास क्वांटिटी फिफ्टी क्वांटिटी आई है कहाँ से आई है हमारे सप्लायर या वेंडर का नाम भी यहाँ मौजूद है उसके आने से हमारी ऑनहैंड क्वान्टिटी कितनी होगी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी एसेट की वैल्यू कितनी होगी ये तमाम डिटेल उसने दे दी है लेकिन इस पर काम ख़त्म नहीं होता उसने उसके बाद ये बताना शुरू कर दिया है कि कितनी इन वॉइसों में इसको हमने सेल किया है और किस किस तादाद में हमने इसको सेल किया है और हमारा क्लोजिंग वैल्यू क्या है यही तमाम चीज़ें हमारे तमाम आइटम्स के बारे में हमें ये सिस्टम बताता है और ये बताता चला जाता है कि आपके पास जितना डेटा मौजूद है उसमें आपको क्लियरली ये पता चल जाता है कि हमने सारी ट्रांजेक्शन जो की हैं जिसमें बाइंग भी है और जिसमें सेलिंग भी है किस किस तारीख को की किस किस रेट पे की किस से की और किस को की ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल में देख सकते हैं तो हम इसको अपने लिहाज से सेट भी कर सकते हैं जो आइटम हम देखना चाहें हम वही दिखाएं हो सकता है कि आप एक डिपार्टमेंट को एक इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहें और दूसरे डिपार्टमेंट को दूसरी इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहें और तो होता भी ऐसी है मिसाल के तौर तो पे सेलिंग एंड मार्केटिंग वाले को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक में कितना है और सेलिंग प्राइस कितनी है उसे ये बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि हमने इसको किस वेंडर से किस कीमत में ख़रीदा था उससे उस मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट का कोई गर्ज़ नहीं है उसका सिर्फ़ गर्ज है कि हमारे स्टॉक में कितना है और हमें सेल किस रेट पे करना है इसी तरह से जो हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो परचेज़ेज हो रही हैं वो कहाँ कहाँ से हो रही हैं किस रेट पे हो रही हैं और कितनी हो चुकी हैं और अभी फौरी प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत है या नहीं उसको जिस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है वो ये है कि ये हम किस रेट पे सेल कर रहे हैं और कौन कौन हमारे कस्टमर्स हैं इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे हम लोग प्रिंट करते हैं या शाया करते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को यही इन्फॉर्मेशन हम किसी और शक्ल में दिखाएंगे और जो हमारा सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको यही इन्फॉर्मेशन हम किसी और शक्ल में दिखाएंगे ये काम डिसाइड करती है अकाउंट्स या मैनेजमेंट और करवाती है आपसे इसीलिए आपको ये क्विक बुक्स की रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करना कस्टमाइजेशन करना ये अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि यही इसका निचोड़ है क्विक बुक्स का डेटा एंट्री के बाद जो असल फ़ायदा है वो ये है कि इसकी रिपोर्ट्स हमें एनालिसिस में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती चली जाएं और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रिपोर्ट कस्टमाइजेबल है तो हम जैसी कस्टमाइज रिपोर्ट को क्लिक करते हैं आपके सामने मॉडिफाई रिपोर्ट की स्क्रीन आ जाती है इसमें आपने अनलाइक हमारी समरी रिपोर्ट जिसमें फिक्स्ड फील्ड्स थी इसमें आप अपनी पसंद के फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं जो आप किसी भी वक्त डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जो चीज़ हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वो हमने चूज़ कर ली है और जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली फिल्टर होके स्क्रीन हमारे सामने आ गई है ये इंफॉर्मेशन है बेसिकली हमारे जो भी सेलिंग या मार्केटिंग वाली डिपार्टमेंट है उसके लिए कि वो बता रहा है कि कितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है और ऑन हैंड कितना है और किस किस को हमने ये बेचा है अच्छा प्रोक्योरमेंट वालों को ये किस किस को बेचा है ये बताने की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर कहीं से रिकवरी करनी है तो वो जाके उससे पैसे भी रिकवर करके लाएं तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब आप जो आपको नज़र आ रही है ये उसी सेट ऑफ़ डेटा से उठाई गई है इसको कस्टमाइज़ करके फ़िल्टर करके हमने वो शेप दे दी है जो हमारे एक स्पेसिफिक रिपोर्ट जो हमें चाहिए थी अपने सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए वो इससे क्रिएट हो गई इसी रिपोर्ट को यानी कि मेजर मेन रिपोर्ट को हम कस्टमाइज़ करके अपने जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसको भी दे सकते हैं इसी तरह इसी रिपोर्ट में हम मुख्तलिफ फिल्टर्स भी लगा सकते हैं हम जो फ़िल्टर चाहें हम इधर लगा सकते हैं मिसाल के तौर पे हम सिर्फ एक सेल्समैन को जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ बेचता है हम उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ वो वाली जो चीज़ है तुम उसके ऊपर काम करो और सिर्फ उसकी रिपोर्ट हम उसे देना चाहेंगे तो हम उसे कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ की तुम करोगे वो ये है अब हमने उसे कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ कैबिनेट पोल्स की तुमने ये डिटेल तुम्हारे सामने है और तुमने इसके बारे में पता करना है कि ये जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस टाइप की चीज़ें लेना पसंद करते हैं तो इसको आपने देखा कि हम जब चाहें जैसे चाहें अपने लिहाज से इसकी नंबर ऑफ़ फील्ड्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स भी हम इसे घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं टिक मार्क उनका ख़त्म करके उनको ग़ायब भी कर सकते हैं और इसको फिल्टर भी कर सकते हैं एज़ पर आर ओन रिक्वायरमेंट और इसे सेट करके हम इंडिविजुअल्स को भी दे सकते हैं पूरे डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं और मैनेजमेंट को भी दे सकते हैं ताकि वह सारी चीज़ें एक नज़र में अपने सामने देख सके तो आपने देखा कि हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी हद तक एज पर रिक्वायरमेंट सेट की जा सकती हैं उनके नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं हम कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं जो हमें पसंद ना हो वो हम वहाँ से हटा सकते हैं और इस पूरे डेटा को भी हम किसी तरह से फिल्टर सॉर्ट करके सेलेक्ट करके अपने जो एक मखसूस ऑडियंस है डिपार्टमेंट्स हैं या मैनेजमेंट के जो हिस्से हैं उनके लिए एक बिल्कुल कस्टमाइज रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं ये फैसिलिटी हमें क्विक बुक्स इसलिए देता है कि उसे पता है कि असल काम किसी भी सिस्टम का असल फ़ायदा ये है कि डिसीजन मेकिंग को किसी ना किसी तरह सपोर्ट किया जाए और जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है वो ये कस्टमाइज़ रिपोर्ट्स हैं जो कि टाइमली फैशन पे अगर आप निकालते रहें जाने से पहले मंथली वीकली जो भी इसकी पीरियोडिक रिक्वायरमेंट बताई गई आपको उस हिसाब से आप ये जनरेट करते रहें तो आपका बिजनेस पे जो नज़र है वो बहुत बेहतर हो जाती है और डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाती है सो बेसिकली ऑल दीज रिपोर्ट्स आर हियर टू सपोर्ट योर बिजनेस थैंक यू सो मच